बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रविवार को महासुमंद के बसना में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय के साथ महासुमंद लोकसभा के प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी उपस्थित रही। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराधों का गढ़ बना दिया है। कांग्रेसियों को उनकी हार स्पष्ट नजर आ गई है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसके आगे सीएम साय ने कहा कि जनता इस पर मोदी के ऊपर फिर से भरोसा करने का मन बना चुकी है और लोगों को अब मोदी जी की गारंटी पर पूर्ण भरोसा है। चुनावी जनसभा के दौरान जिला पंचायत के सदस्य और कई जनपद पंचायत के सदस्यों ने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। बसना से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सभा चुनाव का दौर चल रहा है और आज यहाँ महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बसना में चुनावी सभा का आयोजन था। इसमें तपती धूप के बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और मतदाता आए हुए हैं। सब में भारी उत्साह है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, भारी मतों से यहाँ से जीत के सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। अब देखिए, कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए थोड़ा बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस में बिल्कुल भगदड़ हो गया है। लगातार कार्यक्रमों में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है। अभी जो कुछ दिन पहले जो नक्सली घटना हुई, अभी तक की सबसे बड़ी घटना थी। हमारे सैनिकों ने नक्सलियों के साथ मुकाबला करके 29 नक्सली एक ही दिन में मारे, जिसमें दो नक्सली 20-20 लाख की नामी थी, एक नक्सली 10 लाख की नामी थी महिला, और अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और इसके लिए हम सैनिकों को सलाम भी करते हैं, उनके साहस